बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया इज़ बेसिकली राइज इन कंसनट्रेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन। जब फिनाइल एलेनिन की बॉडी में कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम कहेंगे फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल एलेनिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने से यूरिन में फिनाइल एलेनिन के मेटाबोलाइट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और इस कंडीशन को हम कहते हैं फिनाइल कीटोनूरिया, राइट। इसके बाद हम कॉजेज डिस्कस करेंगे। इसकी कॉजेज को समझने के लिए हम इस रिएक्शन को अच्छी तरह समझेंगे, जिस रिएक्शन में फिनाइल एलेनिन पर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा और इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। जब भी जिस कंडीशन में भी ये रिएक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और इस कंडीशन को हम कहते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। तो अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एबनॉर्मल हो या डेफिशेंट हो तो इस ये रिएक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा और फिनाइल एलेनिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट कॉज ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया। नेक्स्ट इज इट्स को एंजाइम। इस रिएक्शन का को एंजाइम है टेट्राहाइड्रोबायोटीरिन, इसे शॉर्टली हम BH4 भी कहते हैं, ये इसका को एंजाइम है। अगर इस को एंजाइम की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये रिएक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा और फिनाइल एलेनिन की कंसनट्रेशन अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी हम फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो डाईहाइड्रोबायोटीरिन इसकी इनएक्टिव फॉर्म है जिस पर डाईहाइड्रोटीरिडीन रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है, इसकी रिडक्शन होगी और टेट्राहाइड्रोबायोटीरिन बन जाएगा जो कि इस रिएक्शन का कोएंजाइम है। तो अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो या एबनॉर्मल हो तो BH2 BH4 में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर BH2 BH4 में कन्वर्ट नहीं होगा तो अल्टीमेटली इसकी कंसनट्रेशन हो जाएगी कम, जिसकी वजह से ये अवेलेबल नहीं होगा रिएक्शन के लिए और अल्टीमेटली फिनाइल एलेनिन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। तो अगर ये एंजाइम डाईहाइड्रोटीरिडीन रिडक्टेज डेफिशिएंट होगा तो इसकी वजह से भी ये रिएक्शन प्रॉपर्ली नहीं होगा और फिनाइल एलेनिन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड फिनाइल कीटोनूरिया। इसके बाद हम फिनाइल कीटोनूरिया के क्लिनिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या हैं। तो फिनाइल कीटोनूरिया का मेजर इफेक्ट CNS पे होगा, ये CNS पर इफेक्ट करेगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी होगी, सीजर्स होंगे और माइक्रोसिफेली होगी। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा, दैट विल बी हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपोपिगमेंटेशन इज डेफिशिएंसी ऑफ पिगमेंट्स इन आवर बॉडी। इस ये क्यों होगा? फिनाइल एलेनिन अर्लियर हमें पता है कि टायरोसिन में कन्वर्ट होगी और टायरोसिन से बनता है मेलेनिन विच इज़ आवर बॉडी पिगमेंट। अगर फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली मेलेनिन नहीं बनेगा और अगर मेलेनिन नहीं बनेगा तो ऑफकोर्स हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगी। थर्ड वन इज फिनाइल एलेनिन मेटाबोलाइट्स, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फिनाइल एलेनिन नॉर्मल पाथवे में टायरोसिन में कन्वर्ट होती है और जिससे डिफरेंट चीज़ें बनती हैं विच आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड मेलेनिन एंड डिफरेंट प्रोटीन्स। अगर ये रिएक्शन नहीं हो रहा तो फिनाइल एलेनिन दूसरा पाथवे अडॉप्ट करेगा और डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बना देगा विच आर फर्स्टली फिनाइल पायरोवेट, जिससे फिनाइल एसिटेट और फिनाइल ब्यूटाइरेट और डिफरेंट चीज़ें बन जाएंगी। तो ये सब फिनाइल एलेनिन के एबनॉर्मल मेटाबोलाइट्स हैं जिनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में और ये यूरिन में भी मौजूद होंगे, दैट्स वाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड फिनाइल। इसकी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज न्यूनेटल स्क्रीनिंग ताकि जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके अगर डायग्नोस हो। सेकेंड इज प्रीनेटल स्क्रीनिंग, अगर बर्थ से पहले स्क्रीन हो जाए तो बर्थ के फौरन बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। थर्ड इज मेटरनल स्क्रीनिंग, अगर मदर को फिनाइल कीटोनूरिया है तो देन इट विल हैव टेराटोजेनिक इफेक्ट्स ऑन फीटस और फीटल्स में डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, हम डाइट में फिनाइल एलेनिन की कंसनट्रेशन को कम कर देंगे और टायरोसिन की कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे ताकि फिनाइल एलेनिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा ना हो और जो टायरोसिन की डेफिशिएंसी हो रही है और टायरोसिन के प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे तो उसको हम कंपनसेट कर सकें। सो दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट फिनाइल कीटोनूरिया। सो नाउ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।